तो बच्चों कैसे हैं आप सब, वेलकम टू नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। और बच्चों अभी हमने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी का पॉइंट नंबर 1 इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट ये समझाया है। तो मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज चलेगी हमारी 3-4 वीडियोज की, ये दूसरी वीडियो आ गई जहाँ पर हमने उसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ऊपर सेकेंड पॉइंट पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी फिगर, इस पूरे एपरेटस की जानकारी जो है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सका हूँ लास्ट वीडियो में, आप वो ज़रूर देखें। अब हम उसके आगे कैरी ऑन करते हैं। देखिए अब हमने समझना है कि इफेक्ट क्या है पोटेंशियल का फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। चलो मैं रिवीजन दे देता हूँ लास्ट में, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट था फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटॉन्स, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतनी ही ज़्यादा करंट आएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था करंट उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, डायरेक्ट रिलेशन। अब पोटेंशियल के ऊपर हम समझते हैं। मैंने बताया जब भी आपने किसी एक पॉइंट का, किसी एक मतलब क्वांटिटी का इफेक्ट समझना है तो बाकी 2 क्वांटिटीज़ को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा, बिकॉज 3 ही क्वांटिटीज़ हमारे पिक्चर में है। कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है, देन इंटेंसिटी है, देन पोटेंशियल है। हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल, तो मैंने देखो फ्रिक्वेंसी को फिक्स रखा, मैंने इंटेंसिटी को फिक्स रखा। फिक्स रखने का कारण ये है क्योंकि अगर मैं इनको भी चेंज करूंगा तो इनके इफेक्ट्स एड ऑन हो जाएंगे, मुझे सिर्फ अकेला फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो देखो हमें पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हम जैसे इस कलेक्टर प्लेट को जितना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, करंट बढ़ती जाएगी। बट ऐसा भी तो एक लिमिट तक हो पाएगा ना, ये चीज भी एक लिमिट तक हो पाएगी। पहले मैं इसको बताता हूं हमने लिखा कैसे है। देखो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर। इस प्लेट में जितना पोटेंशियल ज्यादा दोगे पॉजिटिव पोटेंशियल, फोटोइलेक्ट्रिक करंट उतनी ही ज्यादा होगी। फिर मैंने बोला कि यार एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। अब उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं निकलने को, तो हमारी करंट कैसे इंक्रीज होगी। इट मींस करंट की पीक वैल्यू मिल गई हमें, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन पॉइंट। देखिए आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे प्लेट ए पे तो फोटो करंट फिर सीज कर जाएगी, वो रुक जाएगी बढ़ना। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इसी हम मैक्सिमम वैल्यू को बोलेंगे कि ये सैचुरेशन करंट है। ये वही बात हो गई, अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर में शुगर को ऐड करूं और मिक्स करूं, पानी मीठा होगा, करते जाऊं मीठा होगा। एक टाइम आ जाएगा अब आप और चीनी डाल के उसमें घोलोगे ना, मिक्स करोगे, तो हम क्या होगा, वो जो शुगर होगी वो मिक्स नहीं होने वाली, बिकॉज वाटर का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जितना वो मीठा हो सकता था वो हो चुका है, अब उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझ रहे हो? वैसे ही करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, अब इससे ज़्यादा वो बढ़ने नहीं वाली, दैट इज सैचुरेशन करंट। आई होप सैचुरेशन करंट क्या होता है ये समझा होगा आपने। अब होगा क्या, देखो अभी तक हमने क्या किया था, इसकी प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, ये तो एक पॉइंट हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या समझना है, अब मैं इस प्लेट को क्या करूंगा, नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा, मींस इसके पोटेंशियल को घटाऊंगा। तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे मैं इसके पोटेंशियल को इस बैटरी की मदद से कम करने जाऊंगा, मेरी फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी कम होने जाएगी। ये पॉइंट समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज द करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। मगर मान लो अब मैंने इस प्लेट को जीरो पोटेंशियल दिया, इट मींस ये प्लेट लगी जरूर है बट पोटेंशियल कोई अप्लाई नहीं है। बट होगा क्या, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो इस प्लेट तक पहुंच पाएंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, अपनी काइनेटिक एनर्जी की मदद से। वो काइनेटिक एनर्जी उनको कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्यों, मैंने बताया था अगर वर्क फंक्शन 10 जूल्स का है और जो मेरी एनर्जी फॉल कर रही है वो 15 जूल्स है, तो 10 जूल्स तो तोड़ने में लग जाएगा और रिमेनिंग 5 जूल्स उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये चीज क्लियर हुई? तो अब मैंने बोला जब मैंने इस प्लेट को जीरो पोटेंशियल दिया फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रीच कर रहे हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इट मींस करंट जीरो नहीं होगी, बट डजंट बिकम जीरो, करंट डजंट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल। दिस शोज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की एब्सेंस में भी
फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैनेज कर जाएंगे कि वो प्लेट ए तक रीच करे ऑन देयर ओन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। अब क्या कर रहे हैं हम, अब मैं इसको जीरो से भी कम ले रहा हूं और नेगेटिव कर रहा हूं। अब क्या होगा, बिकॉज ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अब रिपेल करने शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स वापिस रिपेल होने शुरू हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट समझ रहे हो आप? तो अब वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स में से, अगर हमने उसको भी रोक लिया इसके नेगेटिव पोटेंशियल पे, अगर हमने उसको भी रोक लिया तो मेरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी जीरो, एंड दैट वोल्टेज विच शुड बी अप्लाई टू दिस प्लेट सो दैट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए, दैट वोल्टेज इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया और हमारी फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई। Thus, stopping potential repels even the most energetic photoelectron with maximum kinetic energy, and जो हमारी photoelectric current है वो कितनी हो जाएगी? Zero. तो ये सारा scenario था potential का effect जो हमने photoelectric current के ऊपर पढ़ना था। अब देखो, मैं दो points समझाने जा रहा हूँ, समझना important है। जो मैं आने वाली video बनाऊँगा उसमें भी ये explain किए जाएंगे। अगर मैं light की intensity को बढ़ाऊँ, हमने अब देखना क्या है कि सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, नीट पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊं उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिससे हमारी करंट जो सैचुरेशन करंट है वो और हायर लेवल पे मिलेगी हमें, सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगी। इट मींस जो मेरी सैचुरेशन करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी के ऊपर, इस पे डिपेंड कर रही है। ये समझे हो आप? अब दूसरा मैं क्या समझाने जा रहा हूं कि यार मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अब समझना। क्योंकि मुझे पता है यार, इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फोटॉन्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट समझना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी भी उतनी ही रहेगी, उसकी एनर्जी भी बढ़ने नहीं वाली। इट मींस उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना था अभी भी उतना ही लगाना है, चाहे आपने इंटेंसिटी चेंज भी कर दी, क्योंकि इंटेंसिटी को चेंज करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, ना कि फोटॉन्स की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। इट मींस ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, इट विल हैव नो इंपैक्ट। समझ रहे हो ये पॉइंट? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। फिर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आइए मैं बताता हूं कैसे। देखो, क्योंकि मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा रेडिएशंस की, फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, अब उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, उसको रोकने के लिए मुझे और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। और ये ग्राफ आप समझो, देखो मैंने तीन रेडिएशंस ली अलग अलग इंटेंसिटी की, I1, I2, I3, तीनों की रेडिएशंस के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी चाहे अलग हो, इंटेंसिटी पर डिपेंड थोड़ी ना करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीनों की इंटेंसिटी के लिए देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम, दैट इज माइनस वी नॉट, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल होता है,
बट अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होता। मैंने पूरा क्लैरिटी में समझाया आपको, वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखो, अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। आज रात 10 बजे तक मैं वेट करूंगा, जिसका कमेंट आया होगा आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूं। क्लियर ये पॉइंट? मैं बड़ी हम बहुत मेहनत से ये वीडियोज बना रहे हैं, देखो इन्हें, समझो, अपनी हेल्प खुद करो, और जहां पर आपको हमारी मदद चाहिए हमें बोलो। मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, आप देख सक रहे होंगे इस समय स्वेटिंग हो रही है, गर्मी में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो भाई मैं चाहता हूँ आपका आउटपुट आए, कुछ सीखो आप, ठीक है। ये बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह सिर्फ हमने अपने सब्सक्राइबर्स या अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है, ये हमने अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम किया है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए काम किया है, लॉकडाउन पीरियड के दौरान कुछ क्लासेस जो पूरी नहीं हो पाई उनके लिए काम किया है। तो ज़रूर वीडियोज़ देखो, मैं इन चीज़ों के ऊपर प्रेशर डाल के इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे में, हमारे YouTube चैनल में और बाकी YouTube चैनल के ऊपर हमने बहुत डिफरेंस रखना है, ठीक है। देर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन आवर YouTube चैनल एंड जो रेस्ट है। तो आइए अब देखिए, मैं एक क्विक रिवीजन देता हूँ क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले पोटेंशियल की बात करी, जैसे जैसे पोटेंशियल मैं बढ़ाऊँगा मेरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती जाएगी, मगर एक पॉइंट तक ही बढ़ पाएगी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट सीज हो जाएगी बढ़ना, दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। फिर मैंने बोला अब मैं इसे नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं, घटा रहा हूं, अब इसको जीरो पोटेंशियल दे दिया, बट मेरी करंट जीरो नहीं हुई बिकॉज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अभी पहुंच पा रहे थे, जो खुद से पहुंच रहे थे, तो कुछ करंट तो होगी। अब मैं इसे जीरो से भी नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं, नीचे वाला पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, वो वाला पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो गया, तो इट मींस बाकी तो फिर रिपेल हुए ही, मेरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, एंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल, और दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर ए पॉइंट? दस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिपेल इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर मैंने बोला सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर। क्यों? इंटेंसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सैचुरेशन करंट ज्यादा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। देन मैंने पढ़ाया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैक्सिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा अभी भी उसकी उतनी ही रहेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही हुआ। इसके ऊपर मैंने ग्राफ भी बताया, अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम। नेगेटिव एक्सिस पे ग्राफ क्यों आया समझो, इसको रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना है। नेगेटिव एक्सिस पे इसलिए आया बिकॉज हमें पता है कि हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं दे रहे। इससे पहले वाला ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, व्हाई? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, और हम पोटेंशियल भी पॉजिटिव दे रहे थे, करंट भी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव इंक्रीज आ रहा था। क्लियर ये पॉइंट? देन मैंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, फिर फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा फोटॉन्स की एनर्जी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, अब उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मुझे लगाना है वो और ज्यादा लगाना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं अपनी एनर्जी अगर ये बार बार बोलने में लगा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आप ये इस पर टाइम पास करो, मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ नीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं नीट के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं, इन इफेक्ट्स पे पूछे जाते हैं, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इफेक्ट पढ़ेंगे फ्रिक्वेंसी का, मैक्सिमम वो हम इसमें पढ़ ही चुके हैं, बट हम उसके नेक्स्ट ग्राफ जो है वो समझेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। देखो हमारे 980 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, हेल्प अस टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स सो दैट उसके बाद हम लाइव सेशन कर सकें आप सबके साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। मेक इट द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड देन एट द नेशनल लेवल। थैंक यू।